चाइनीज फूड हो या कोई और वेस्टर्न फूड, जब तक उसमें देसी टच ना हो उस फूड का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। मैंने सोचा आज बढ़िया सी मंचूरियन बनाते हैं, पनीर मंचूरियन थोड़े से देसी स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने पनीर ली है, मैश्ड पनीर 2 कप, और इसमें मैंने कटी हुई पत्ता गोभी और कटी हुई शिमला मिर्ची डाली है, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर और लाल मिर्ची की पाउडर डाली है, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाला है 2 चम्मच, और जो पनीर का मिक्सचर उसे मैंने अच्छे से डो बना लिया। इसे अच्छे से मैश कर करके आपने इसका डो बना लेना, और जब ये इसका डो अच्छे से आपको लगे कि बन जाए, और ये जब अच्छे से आपको लगे कि राउंड शेप में हो जाए, तो इसका आप ना लड्डू बना लेना, राउंड शेप कर लेना। और उसके बाद ये आप एक चीज़ याद रखना कि टूटे ना, और ये जब अच्छे से राउंड शेप हो जाए उसके बाद मैदा लेना, और जो आपने पनीर के लड्डू बनाए थे उसे इसमें ना अच्छे से रोल कर देना मैदा में, बस कोटिंग ही करनी अपर साइड से मैदा की। और जब सारे पनीर के लड्डू बन जाए उसके बाद ना सारे जो पनीर आपने राउंड शेप में किए थे ना उसे अच्छे से अपना फ्राई कर लेना गरम ऑयल में, लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ना जब आप फ्राई करो ना, तो एक बात का याद रखना कि पनीर ना टूटे ना, इसको ना आप ना धीरे धीरे से या तो आप ना फॉर्क ले सकते हो, या फिर अगर आप ना कोई और भी मतलब छानने वाली मतलब करछी लो, तो उसको ना आप ध्यान से ना इसे अच्छे से ना अपना फ्राई करना, ताकि ये टूटे ना। अगर ये टूट जाएंगे ना फिर मज़ा नहीं आएगा ना खाने में। तो इसे ना अपना अच्छे से फ्राई कर लेना धीरे धीरे, और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ना अपना ग्रेवी बना लेना। अब ग्रेवी वाली आपको खानी है कि आपको सूखी वाली मंचूरियन खानी है, अब वो आपका मन है। वरना यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ली है, और कटी हुई लहसुन ली है, और कटी हुई प्याज ली है, और कटी हुई शिमला मिर्ची और कटी हुई पत्ता गोभी। शिमला मिर्ची और ना प्याज को मैंने थोड़ा सा ना थिक काटा है, और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी लिया है जिसमें मैंने थोड़ी लाल मिर्ची भी डाली है। और जब इसे अच्छे से आप ना सॉटे कर लेना, फिर इसमें नमक डालना और काली मिर्च की पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची की पाउडर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद होगी तो। उसके बाद इसमें सॉसेस डाल लेना, जैसे सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस। और उसके बाद आप यहाँ पे एक स्लरी बना लेना कॉर्नफ्लावर की, जिसमें मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, और उसमें 2 चम्मच मैंने वाटर डाली। वाटर आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको लगे कि ना कॉर्नफ्लावर में लम्ब्स पड़ रहे हैं। और फिर इसमें मैंने 1 कप वाटर डाल के पनीर जो मैंने फ्राई की थी उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसके बाद इसे मैंने ना अच्छे से बॉईल किया जब तक ना जो वाटर है वो कम्प्लीटली सूख नहीं जाती, तब तक इसे मैंने ना अच्छे से ना पकाया। और जब ये वाटर अच्छे से सूख गई उसके बाद बस ये रेडी है। अगर आपको एकदम ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद नहीं है ना तो ये सबसे बेस्ट है, और अगर आपको एकदम सूखी खानी है ना तो बस वाटर थोड़ा सा कम डाल लेना, और बस आपकी फ्राइड पनीर को इसमें डाल के उसे अच्छे से आप सॉटे कर लो, और उसके बाद ये रेडी है। इसका टेस्ट इतना यम्मी सा टेस्टी सा है ना कि आपको ये पनीर मंचूरियन को खाने में और बनाने में बड़ा मजा आएगा। तो इसे ट्राई करना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।